नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ग्रुप डी के लिए अच्छी खबर है कि ग्रुप डी के जो कैंडिडेट हैं वो अपने नंबर चेक कर सकते हैं कि किसके कितने नंबर आए हैं। पूरी डिटेल जो है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पर जाके क्लिक करना है दोस्तों। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2018 ग्रुप डी पोस्ट के लिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एक पेज आपके सामने खुल जाएगा। ये देखिए, मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट का। और ये जो लॉगिन है दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करते ही जो है उसके बाद ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड, यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी देना दोस्तों, और यहाँ पे आपने पासवर्ड मेंशन करना है। उसके बाद साइन इन पे जाके क्लिक करेंगे आप। तो साइन इन पे क्लिक करते ही जो है आपके सामने वही पेज खुल जाएगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जो पेज है उस पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसके ऊपर आपको अपना रोल नंबर मिलेगा और जितने भी नंबर आपके आए हैं रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर या सोशियो इकोनॉमिक एग्ज़ाम के अंदर, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है उसके नंबर और टोटल नंबर, रिटर्न एग्ज़ाम के नंबर, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर और टोटल नंबर, सारे के सारे उस पे मेंशन होंगे दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप ग्रुप डी की पूरी डिटेल के जो है वहाँ पे देख सकते हैं उसको। इसके अलावा जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आने वाले टाइम में काफ़ी भर्तियाँ निकलेंगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा भर्तियाँ आएंगी। क्लर्क की भी आएंगी, ग्रुप डी की और भर्तियाँ भी आएंगी। इसके अलावा और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट नोटिस आएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, लाइक करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी वैकेंसीज आएंगी हरियाणा सरकार की, सबसे पहले जो है आपको पढ़ाई फॉर यू चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।